नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज वैष्णव और स्वागत है आपका अपने चैनल OMG में। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका डिफरेंस बिटवीन की सीरीज में, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन जिप एंड रेयर। शुरू करने से पहले दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत से अच्छे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सके। बात करते हैं हम जिप और रेयर की। दोनों ही जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाले फाइल फॉर्मेट्स है, जो कि हम कंप्रेशन के लिए यूज में लेते हैं। बात करते हैं हम जिप फाइल्स की। जिप वो फाइल फॉर्मेट्स है जिसके अंदर की लॉसलेस डाटा कंप्रेशन और अचीविंग सपोर्ट करता है। इसको फिल कैट्स ने डेवलप किया था 1989 के अंदर। अभी की बात करें तो जिप जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला और बहुत से सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज के अंदर सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और मैकओएस जो है वो अपना बिल्ट इन जिप सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसका जो सबसे अच्छा पार्ट है वो ये है कि जिन सॉफ्टवेयर से हम जिप फाइल्स को क्रिएट करते हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर से हम जिप फाइल्स को ओपन भी कर सकते हैं। जिप फाइल्स वो डाटा कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम एक से ज्यादा फाइल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। जिप आर्काइव जो होती है उसके अंदर ये केवल कंप्रेशन के लिए ही नहीं, इसके अंदर हम इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं, मतलब कि पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं कुछ सिंपल से मेथड से। जो फाइल्स मल्टीपल फाइल्स जिप होती है, कंप्रेस्ड होती है, उनको हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हो गया हमारा LZMA, WAV पैक, PPMD, BZIP2, DFLAT। बात करते हैं हम रेयर की। रेयर की फुल फॉर्म होती है रोशल आर्चिवल कंप्रेस फाइल फॉर्मेट। ये एक प्रोप्रिएटरी मतलब कि मालिकाना आर्चिव फाइल फॉर्मेट है, जिसका कि कोई मालिक है। इसके अंदर भी हम एक या एक से ज्यादा फाइल्स या फोल्डर्स को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसको कंप्रेस करने के लिए हमको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको एक्सेक्ट करना हो, ओपन करना हो इसके कंटेंट को। ये एक नेटिव फाइल फॉर्मेट है विंडर एचीवर का, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स जो है वो कंप्रेस होती है। आपको इसको एक्सेस करने के लिए इसके कंटेंट को बस इतना करना रहता है कि इसको अनपैक करना रहता है, और वो केवल विनरेड से ही होता है। रेड जो है वो हमको काफी अच्छी डाटा कंप्रेशन सपोर्ट देता है, जितनी कि हमको जिप में नहीं मिलती उससे ज्यादा देता है। तो चलिए अब इन दोनों के डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है हमारा, जिप की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है, ये अपना एक खुद ही नेम है, जबकि रेड की फुल फॉर्म होती है रोशल आर्चीव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिप को डेवलप किया था फिल कैट्स ने, जबकि रेयर को जो है वो यूगेन रोशन ने डेवलप किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिप को इनिशियली 1986 के अंदर रिलीज किया गया था, जबकि रेयर को जो है वो 1993 के अंदर इनिशियली रिलीज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिप जो है वो एक फ्री और ओपन स्टैंडर्ड का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर की हम बहुत से इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इसको इंप्लीमेंट और सपोर्ट करते हैं, जबकि रेड जो है वो फ्री नहीं है और इसको एक थर्ड पार्टी टूल की जरूरत होती है, जिसको कि हम विन रेड आर्चीवर के नाम से जानते हैं। इसी से ही हमारा कंप्रेस और डिकम्प्रेस होती है फाइल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो कंप्रेशन की रेट होती है वो जिप के अंदर कम होती है रेड के कंपेरिजन में, तो रेड की जो है वो ज्यादा होती है जिप के कंपेरिजन में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिप जो है वो पासवर्ड बेस्ड प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है, जबकि रेयर के अंदर डायरेक्टली ऐसा कोई पासवर्ड बेस्ड प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिप की जो फाइल्स है जो क्रिएट होती है वो बहुत सारे प्रोग्राम से क्रिएट हो सकती है, जैसे कि हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है विनरेयर, विनजिप, फ्री बाइट जिप, 7zip, और भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि हम इसको क्रिएट या ओपन कर सकते हैं, जबकि रेयर फाइल्स जो होती है वो केवल एक ही प्रोग्राम से ओपन और क्रिएट की जा सकती है, वो है विन रेयर से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिप के अंदर जो हम कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज में लेते हैं वो है डीफ्लेट एल्गोरिथम। तो ये जो होती है वो लेस एफिशिएंट होती है जो भी हमारे न्यूअर कंप्रेशन एल्गोरिथम है उनसे,
जबकि रेयर के अंदर जो हम कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज में लेते हैं वो काफी इफिशियंट होती है डिफरेंट कंप्रेशन एल्गोरिथम से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिप के अंदर डीकम्पोजिशन जो है वो इम्प्रैक्टिकल होता है, मतलब कि पॉसिबल नहीं होता है, जबकि रेयर के अंदर डीकम्पोजिशन जो है वो पॉसिबल होता है, मतलब कि उसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर करके फिर वो कंप्रेस करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिप 2.0 के अंदर जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज में लेते हैं वो काफी वीक होती है, जबकि रेयर के अंदर जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज में ली जाती है वो होती है AES-128 जो कि काफी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिप के अंदर जो हम फाइल एक्सटेंशन यूज में लेते हैं वो है .zip और .zipx, जबकि रेयर के अंदर जो हम फाइल एक्सटेंशन यूज में लेते हैं वो है .rar, .rev, .r00 और .r01। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिप के जो माइम टाइप्स होते हैं जो कि हम इंटरनेट मीडिया के लिए यूज में लेते हैं वो है application/zip, जबकि रेयर के लिए जो माइम टाइप है वो है application/xrar compressed। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस जिप और रेयर फाइल फॉर्मेट्स के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए बहुत से अच्छे अच्छे डिफरेंसेस देखने के लिए। अगर कहीं आपके कोई क्वेरी या सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कर बताएं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।